और ये पहले की जगह बहुत जरूरी है। अरे जी मैम, को देखा? नहीं मैम, कहीं ना देखा। आज ये तीखी मिर्ची इतनी तीखी क्यों हो गई है? हाय प्रिया, अब बताओ बताओ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रही? हाँ, जिसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और जिसके लिए तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही हो, यूं 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 सॉल्व कर दूंगा मैं। शराब फेला, सच सच बताओ कि तुम विकी जीनू जिया सब कल से कहाँ गायब हो? हम कल से कहाँ गायब? ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? फेला या? तुम मेरे सामने खड़े हो ना, तो ऑफ कोर्स मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ कि तुम सब कहाँ थे और विकी कहाँ था? वो थी गई खराब तबीयत की विकी, था गया लेपे घर उसको मैं। What? I mean, विकी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसको घर पे लेके गया था, सिंपल है। अच्छा या? तो एक बात बताओ, विकी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अब वो जॉनी, इसके आगे का तुम्हें जॉनी बताएगा। जॉनी प्रिया कुछ पूछ रही है यार। देखा, अपने कंधों का बोझ दूसरों के कंधों पर डालने में तो ये हमारा वेलू एक्सपर्ट है। बेचारा जॉनी कब मारा गया। जॉनी, सुमन जी आपने हमें याद किया। जॉनी तुम कल कहाँ थे? ओह क्यों, बहुत मिस किया आपने हमें। शट अप जॉनी, सच सच बताओ कि तुम कल से कहाँ गायब हो। सुमन जी हम वो कल ये वो क्या कर रहे हो, बोलो ना कहाँ थे तुम। सुमन जी हम वो, हाँ दरअसल बात ये है कि जिया जी बीमार हो गई थी। तो हम उन्हें घर पे लेके गए। जिया बीमार हो गई थी? ओ यस। हाय गाइस, देखो आ गई जिया जी। बाकी की बात ये बताएंगे आपको। आइए ना, आप इधर आइए जी। जी सुमन जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। अरे वाह, जॉनी ने भी पल्ला झाड़ दिया, ये तो एक झूठ की रेलगाड़ी शुरू हो गई है। मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जिया तुम्हारी तबीयत खराब थी क्या? मेरी तबीयत खराब थी। बोलो ना कल कहाँ थी तुम। कल मैं कहाँ थी? एग्जैक्टली जिया तुम कहाँ थी? विकी आ गया। हाय हाय हाय, विकी आ गया। विकी बताएगा। विकी प्रिया कुछ पूछ रही। चल आ जा। ओह मेरे जूजू हमेशा फंस जाते हैं। और ये तीखी मिर्च अब तो बस एक ही डायलॉग रटेगी, तुम तो कुछ बोलो ही मत। पर मेरे जूजू हमेशा ही क्यों फंस जाते? हाय बेबी, लुक ब्यूटीफुल। विकी या ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये मामला क्या है? बेबी मैं वो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। कल तुम कहाँ गए थे? बेबी मैं वो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हारी तबीयत खराब थी कल? मेरी तबीयत, बेबी तुम तो कुछ बोलो ही मत। अरे तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। हाँ वो बेबी मैं ना, तुम तो कुछ बोलो ही मत। बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। अरे तुम गायब, वेला गायब, जिया गायब, जीनू गायब, जॉनी गायब। मैं पूछती हूँ ऐसा कौन सा काम है कि ऑफिस से सबके सब गायब थे? और वेला के हिसाब से तुम बीमार, जॉनी के हिसाब से जिया बीमार है। सच सच बताओ विकी ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, सब एक से बढ़कर एक कार्टून चुन चुन के मेरी लाइफ में भेज दिए तूने। हमेशा मुझे फंसा के साइड हो जाते कार्टून कहीं के। होता है भाई होता है। आगे बढ़ना। होता क्या है, कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ होगा। आखिर ये बात हम प्रिया से क्यों छुपा रहे? एक बात बताओ, ये सच्चाई अगर प्रिया को पता चल गई तो क्या होगा? ये कोई दूध पीती बच्ची है जो इस बात को नहीं समझेगी? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम सब मुझसे छुपा रहे हो? वही तो बता रहा हूँ मैं।
जीनू बीमार थी। She's sick. Homesick. इसीलिए वो तुरंत अपने घर दिल्ली जाना चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने पांडे जी। जी हाँ सुमन जी। और जीनू को देखकर जिया जी की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, मुझे देखकर बेला की तबीयत खराब हो गई। हाँ स्वीट, एक जान है बता। बेला? या, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे तो अभी तक फीवर है। और मुझे देखकर विकी की तबीयत खराब हो गई। He's right. इसीलिए हम सब ने ये सोचा कि इससे पहले कि हम सब बीमार हो जाए, हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना हम सब जीनू को तुरंत दिल्ली भेज दें। इसीलिए हम सब जीनू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। वाह भाई वाह, क्या छोड़ा है। क्या एयरपोर्ट? हाँ पार्किंग नहीं थी, फिर भी ट्रॉली को मैंने व्हील चेयर बनाया और जीनू को अंदर छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। अरे क्यों छुपाई भाई? भाई बात दरअसल ये है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे बीमार देखकर तुम भी बीमार हो जाओ। डार्लिंग, आफ्टर ऑल अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो ठीक तो मुझे ही आएगी ना। अरे ये सब क्यों छींके? वायरल रायता फैल गया, इट्स इन्फेक्शियस। समस्या चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मेरे जूजू के आगे टिक ही नहीं सकती। आखिर मेरे जूजू दुनिया के सबसे स्मार्ट जूजू जो हैं। इनफ, बस बहुत हो गया। अरे वो जीनू होम से क्या हो गई? तुम सब के सब ऑफिस का काम छोड़कर उसके पीछे चले गए? What is this? और विकी तुम? तुमने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया। तुम एक काम करो, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी। लो गई भैंस पानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में। हे जिन लॉर्ड, प्लीज इस तीखी मिर्ची का चोंग मेरे जूजू पर मत लगने देना। प्लीज 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 जा भाई जा, केबिन में बुला रही है, जल्दी जा वरना तबा के सूद देगी तेरे को। हाँ यार वो। अच्छा वेला मेरी बात सुन। हाँ क्या हुआ? नहीं मैं ये कर चलो हम चलते हैं, ये तो बिजी हो गए। चलो अंदर चलते हैं। May I come in? आओ, welcome. एक मुझे छोड़कर पूरी दुनिया का ख्याल है ना तुम्हें? एक मैं ही हूँ जिसकी तुम्हें कोई कदर नहीं है। बेबी, तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा ना कि कल रात तुम मुझे डिनर पे लेके जाने वाले थे। बोलो, याद है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बेबी। तुम तो कुछ बोलो ही मत। अरे डिनर तो दूर की बात है, तुम तो गायब ही हो गए। उसके ऊपर से तुमने मेरा फोन उठाना भी सही नहीं समझा, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि तुम्हारे साथ साथ इस ऑफिस का आधा स्टाफ उस बेवकूफ लड़की जीनू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने पहुंच गया। स्वीटी पाई ने मुझे बेवकूफ बोला, यानी कि फूल। इस स्वीटी पाई को तो मैं गोभी का फूल बना दूंगी। वाह, तुम चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाना तो मुझे चाहिए। तुम क्यों चिल्ला रहे हो बोलो? मतलब बेटा विकी, जीनी ना बदली है ना सुधरी है, वैसी की वैसी है, मस्ती खोर। सोचा था कि आज शाम को जल्दी जाकर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन वो तो मेरी बैंड बजाने यहाँ आ गई, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जवाब दो। नहीं वो मैं दरअसल कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे? यही कि अगली बार कब बिना बताए गायब होना है? नहीं मैं दरअसल ये सोच रहा था कि वाकई मैं कितना बेवकूफ हूँ, जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को डिनर पर ले जाने के बजाय जीनू को एयरपोर्ट छोड़ दे गया था।
Anyways, forget all this. Because now no Jinnu, only Janu. और तुम देख लो, आज रात बेबे मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा और तुम्हें डिनर पर ले जाने से मुझे कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता. So you be ready tonight, baby. तो ठीक कर दो. क्या हो गया स्वीटी पाई को आजकल? कितना बदल गया है. अब जाके जूजू को मनाती हूँ. कहाँ हो तुम? देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम यही कहीं हो. इससे पहले कि मेरे गुस्से का पारा चढ़ जाए सामने आ जाओ. नाउ जिनी. ये हो क्या रहा है मुझे? अभी इतना गुस्से में था और अचानक जिनी का चेहरा देखते ही सारा गुस्सा रफ चक्कर हो गया. जूजू, तुसी नाराज हो? तुसी नाराज ना हो. मैं की करा थोड़ी याद आ रही थी आपकी और दीदू की याद आ रही थी और बार बार ये गाना मेरे मन में आ रहा था. याद आ रही है तेरी याद आ रही है. बस मैंने सोच लिया याद आने से तेरे जाने से मेरी जान चली जाए इससे पहले मैं ही ऑफिस आ जाती हूँ. बस आ गई. जूजू कसम से मेरा ना मस्ती करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था. वो तो आपकी स्वीटी पाई ना उसने मुझे बेवकूफ कहा तो मुझे ना बहुत 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 गुस्सा आया. सॉरी जूजू. प्लीज जूजू मुझे माफ कर दो. जो हुआ उसके बदले में ना आज आप अपनी स्वीटी पाई को डिनर पर लेकर जा सकते हैं और मेरी तरफ से फुल परमिशन. श्योर? श्योर? अरे वाह जिनी सुधर भी गई और बदल भी गई. एक बार फिर कंफर्म करता हूं. मतलब मैं डिनर पे बिब्बी के साथ गया तुम्हें कोई एतराज नहीं? नो जूजू इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी क्योंकि आप खुश होंगे. अच्छा ठीक है अब आप शांति से अपना काम कीजिए मैं चलती हूँ. ओके गुड लक. या अच्छा सुनो जरा संभालिए जाना रास्ते ठीक नहीं बारिश के बाद रोड बना भी नहीं है. टेक केयर. बाय बाय. बाय. ओह माय गॉड इतनी बदल गई है. मैं बेबी के साथ डिनर पर जा रहा हूँ इसे तकलीफ भी नहीं हो रही है. ओह वाओ व्हाट अ चेंज. जीनी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है मतलब आज की रात शांति के साथ होगी मेरी और प्रिया की बात. कुछ नहीं वो एक्साइटमेंट के मारे निकल गया. आप लोग खाइए खाइए. बेबी क्या हुआ? या
साथ लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, I'm happy now. हुआ नहीं है, अब होगा चम्मच छल्लो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं जीनू हूँ. जीनी के बारे में बहुत जल्दी राय बना ली तूने विकी. अबे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि जीनी तुझे चैन से प्रिया के साथ डिनर करने देगी? हे भगवान, अब पता नहीं मेरा क्या हाल होगा. तुम्हारे साथ डिनर के लिए आई एम फीलिंग सो हैप्पी. वो सब तो ठीक है स्वीटी पाई, पर मैं इतनी बार पूछ चुकी हूँ, अब तो बोलो कि मैं कैसी लग रही हूँ. तुम भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम बार बार ये सवाल मुझसे पूछती हो. अरे तुम्हें तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो. मैं सच कह रहा हूँ बेबी, ये खूबसूरत वर्ड जो है ना, तुम्हारी खूबसूरती के लिए बहुत छोटा है. Oh, how sweet, sweetie pie. Yeah, baby, I love you. I love you too. अरे क्यों तुम बार बार वहां क्या देख रहे हो? ऑर्डर करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है. तुमने ऑर्डर कहा? ऑर्डर? हाँ. ऑर्डर से मुझे एक जोक याद आ गया, सुनो ना, इट्स वेरी हिलेरियस. क्या है ना, एक माँ के दो बेटे होते, वो भी जुड़वा, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है. एक कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा. अचानक माँ आ जाती है, माँ कहती है ना तू बड़ा, ना तू बड़ा, सबसे बड़ा दही बड़ा. अच्छा ना, तो सड़ा हुआ जोक था. लेकिन यहाँ के दही बड़े बहुत अच्छे, खाओगी? ऑर्डर करो. स्वीटी पाई, हम दही बड़े खाएंगे क्या? कुछ भी बोलते हो तुम स्वीटी पाई, देखो ना कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं ना. एक्सक्यूज मी. यस. या थोड़ा आप सर लेफ्ट में देखेंगे, थोड़ा और लेफ्ट. ओह माय गॉड, आप वो फेमस टीवी स्टार है मिस्टर अली. ऑटोग्राफ प्लीज. कौन अली? कौन से टीवी पे आता है? माफ करना, मैं टीवी नहीं देखता. आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी क्या? सॉरी सॉरी. क्या हो गया लोगों को आजकल? कंफ्यूजन हो रही है. मोहम्मद अली सुना, ये अली कौन है? ये बोस को भी क्या हो गया? वैसे तुम्हें पता है उस दिन मैं एयरपोर्ट जा रहा था ना, वो बाजू में से ना मुझे देख के लोग चिल्लाते हैं ऋषि कपूर, ऋषि कपूर. मैंने भी उनको देख के सिर्फ एक स्माइल दिया. दैट इज ओके, बट अली. एनीवेज, मेबी तुम जरा जल्दी से ऑर्डर करो ना, हम जल्दी से खाते फिर जल्दी से यहाँ से जाते. अरे ये अचानक तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होने लगी? मुझे अचानक याद आया बेबी कि यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर है ना एक मस्त कुल्फी वाला बैठता है. एक कुल्फी. बाहर है, बाहर, इधर नहीं. आ खाओ ना. हाँ तो बीबी कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ हमें देरी हो जाए और वो वहाँ से चला जाए, फिर कुल्फी कैसे मिलेगी? तो जाता है तो जाए, I don't care. आज तो मुझे अपने स्वीटी पाई के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है. Excuse me. ठीक हो? Yes. ये उस तरफ, right में. Yes. मुझे याद आ गया, आप टीवी स्टार नहीं है, आप तो फेमस क्रिकेटर है. ऑटोग्राफ प्लीज. क्रिकेटर? या मैं? हाँ. देखिए मैडम, आज तक मैंने अपने हाथ पे क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ा. सॉरी. ओके. सॉरी. देख सच सच बताओ कि ये क्या हो रहा है. तुम इस लड़की को जानती हो ना? हाँ. What's wrong with you, baby? अरे अगर वो लड़की मुझे जानती तो मुझे टीवी एक्टर या क्रिकेटर थोड़ी ना समझती. बोलो. तुम सही कह रहे हो, मैं भी कभी कभी किसी डम्बो जैसी बातें करती हूँ. सॉरी स्वीटी पाई. नो प्रॉब्लम. एक्सक्यूज मी. अब क्या है? लेफ्ट में. ये व्हाट इज दिस? पहले तो वहाँ आई थी, अभी इधर आई. दिस इज चीटिंग. हां मुझे फाइनली याद आ गया, आप ना टीवी स्टार है और ना ही क्रिकेटर, आप तो फैशन डिजाइनर है. मैंने आपकी पिक्चर्स ना मैगजीन में देखी. आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स. ऑटोग्राफ प्लीज. एक्सक्यूज मी, ये कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, ना तो कोई एक्टर है और ना ही कोई क्रिकेटर.
ये एक पायलट है और इस वक्त ये मेरे साथ यहाँ डिनर कर रहे हैं एंड आई एम सॉरी टू से लेकिन आप हमें डिस्टर्ब कर रही है। I'm sorry. मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर लिया तो अब मैं थोड़ा आपका टाइम बचा सकती हूँ इफ यू अलाउ। और वो कैसे करेंगी आप? वो बस आपका मेन्यू डिसाइड करने में हेल्प करूंगी। तीखी मिर्ची क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.